बिना पैरों के केदारनाथ पहुंचा भक्त। बाबा केदार में अनोखी आस्था, शिव भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है। कोई पैदल ही कई किलोमीटर चलकर अपनी भक्ति दर्शाता है तो कोई नंगे पांव मंदिरों मंदिरों पहुंच जाता है। लेकिन केदारनाथ धाम में अपनी आस्था रखने वाले ऐसे अनोखे भक्त को आपने भी पहली बार देखा होगा। जी हाँ, ये भक्त काफी खास है और इस भक्त की ये यात्रा भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ये भक्त घुटनों के बल केदारनाथ पहुंचा है, क्योंकि इस भक्त के पैर नहीं है और इस भक्त का मुकद्दर कुछ यूं है कि इसके दोनों हाथ भी नहीं है। यूं तो ये भक्त राजस्थान के बीकानेर का है, लेकिन ये भक्त ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला में रहता है और विकलांग होने के बावजूद भी पेंटिंग करता है। भक्त के मुताबिक वो इस साल दूसरी बार केदारनाथ यात्रा पर आया है। ऋषिकेश से बस का सफर करके ये भक्त शिरसी पहुंचा और वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से केदारनाथ आया। पैदल हेलीपैड से मंदिर की ओर गया। इस अनोखे भक्त के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर टिकट के पैसे देना चाहता था, लेकिन विकलांग होने की वजह से उनसे पैसे नहीं लिए गए। ऋषिकेश से हेलीपैड तक सीतापुर तक आया था बस में। सीतापुर से हेलीपैड जीप में आया था, वहाँ से हेलीकॉप्टर में यहाँ पर आया। अभी जाऊँगा केदारनाथ। आप यहाँ हेलीपैड से, आपके दोनों हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन आप हेलीपैड से पैदल ही जा रहे हैं, क्या कहेंगे सारे? मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके पैदल जाने का, और अगर नहीं जा पाया तो फिर वो टोकरी ले लूँगा। सर, आपका इनकम का साधन क्या है? इनकम का मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट से पेंटिंग बनाते हैं जी। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में कब से ऋषिकेश में रह रहे हैं? वैसे कोरोना से पहले मैं 6 साल रह के गया, 4-6 महीने घर पे रहता हूँ, 4-6 महीने बाहर रहता हूँ। अच्छा, तो आपका परिवार है? परिवार में एक तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ जी, और एक माँ को गया 14 साल गुजरे हुए, बाकी सब। इस दौरान केदारनाथ यात्रा धीमी पड़ी थी और बरसात का दौर शुरू हुआ था, उसी दौरान वो केदारनाथ आए थे और अब दोबारा जब उनकी इच्छा हुई तो एक बार फिर बाबा केदार के दर पर माथा टेकने वो पहुंच गए। भक्त हेलीकॉप्टर से उतरा तो धाम में पहुंचे कई भक्तों ने विकलांग भक्त की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ये भक्त मदद लेने से मना करता रहा। यहाँ तक कि पिट्ठू ढोने वाले कई नेपाली भी विकलांग भक्त को मंदिर तक ले जाने की बात करते रहे, लेकिन ये भक्त नहीं माना और हेलीपैड से पैदल ही बाबा केदार के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। उनकी ये अनोखी भक्ति देखकर हर कोई हैरान है। केदारनाथ से प्रवीण सिंह माल के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।